नमस्कार, मैं सेल्फ डॉक्टर आरसी मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल अफसर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसकी ब्रेन कैपेसिटी यानी मेमोरी पावर बहुत अच्छी हो, जो चीज पढ़े या देखे या सुने एक बार में उसको याद हो जाए, और अपने बच्चों को भी ऐसा ही होने की इच्छा सबकी होती है कि बच्चे एक बार में पढ़ें और अच्छी मेमोरी उनकी हो, अच्छे नंबर्स लाएं, एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हों और सफलता उनके हाथ लगे। तो आज इसी संदर्भ में हम बात करने वाले हैं कि चरक चिकित्सा स्थान अध्याय एक के तीसरे रसायन पाद में ब्रेन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कुल चार औषधियों का वर्णन किया गया है। ये औषधियां बहुत ही उत्तम हैं और इन औषधियों का कैसे सेवन किया जाए इसके संदर्भ में भी वर्णन किया गया है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और आयुर्वेद और हेल्थ से रिलेटेड जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। तो आइए हम बात करते हैं कि चरक चिकित्सा स्थान में इस श्लोक में क्या लिखा हुआ है। तो इसमें जो श्लोक में वर्णन किया गया है वो है मंडूक पर्ण्या स्वरसः प्रयोज्य क्षीरेण यष्ठि मधुकस्य चूर्णम्। यानी जो मंडूक पर्णी यानी ब्राह्मी होती है, सभी लोग जानते हैं ब्राह्मी के बारे में कि ब्रेन कैपेसिटी बढ़ाने में बहुत अच्छी औषधि होती है। तो जो ब्राह्मी होती है उसको स्वरस के रूप में यानी उसका रस निकालकर 3 से 6 ग्राम लेना ज्यादा फायदेमंद होता है। दूसरी औषधि है क्षीरेण यष्ठि मधुकस्य चूर्णम्। यानी मधुयष्ठि या मुलेठी जो होता है उसके 3 से 6 ग्राम की मात्रा को दूध में मिलाकर लेना चाहिए। रसो गुणच्यास्तु समूल पुष्प्या कलकह प्रयोज्य खलु शंख पुष्प्या। यानी कि जो गुड़ची अमृता या गिलोय जिसको कहते हैं उसका रस लेना चाहिए, उसको अच्छे से पीसकर 15 से 20 ml की मात्रा स्वरस लेना फायदेमंद होता है। और जो शंख पुष्पी होती है उसके पूरे पंचांग को यानी जड़ तना पत्ती फल फूल जो भी है उसको अच्छे से पीसकर पूरे पंचांग को कल्क यानी पेस्ट बना लेना चाहिए और उस पेस्ट का सेवन करना चाहिए 3 से 6 ग्राम। तो इस तरह ये चारों औषधियों के अलग अलग तरीके से जो लेने की विधि है वो इस शास्त्र में अच्छे से वर्णित है। वैसे तो टैबलेट, स्वरस, सीरप, काढ़ा कई रूपों में मेद्य औषधियां मार्केट में मिलती हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट और अच्छा तरीका होता है जिससे ये ज्यादा फायदेमंद हो सकती हैं वो तरीका इस शास्त्र में इस श्लोक में लिखा हुआ है। अगर इस रूप में लिया जाए तो बेहतर लाभ होने की पॉसिबिलिटी होती है। अब हम बात करेंगे कि ये औषधियाँ किन किन बीमारियों में ज़्यादा फायदेमंद होती हैं, जो शास्त्रगत निर्देशित है कि किन में इनको लेना बेहतरीन होता है। तो इस श्लोक में लिखा है कि आयु प्रदान आमय नाशनानी, यानी हमारी लंबी आयु को यह प्रदान करता है और आमय मतलब बीमारियों को नष्ट करता है, जो शरीर में होने वाली बीमारियाँ हैं उससे बचाता है। और दूसरी बात जो लिखी है बलाग्नि वर्ण स्वरवर्धनानी, यानी हमारे शरीर के बल को ताकत को क्षमता को बढ़ाता है। वर्ण यानी लश्चर को बढ़ाता है। अग्नि यानी हमारे पाचन शक्ति पाचन कैपेसिटी डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाता है, जिससे अच्छी भूख लगती है और हम अच्छे से हर चीज को डाइजेस्ट कर लेते हैं। स्वरवर्धनानी यानी हमारे जो बोलने की क्षमता है वो प्रभावशाली उसको बनाता है, ओजपूर्ण बनाता है। और मेद्यानी चेतानी रसायनानी मेद्या विशेषण चलसंकोष्पी, यानी इस तरह जो मेधा पावर यानी मेमोरी पावर ब्रेन कैपेसिटी लर्निंग कैपेसिटी जो बढ़ाता है उन सभी औषधियों इन चारों औषधियों में जो सर्वश्रेष्ठ है वह है संकोष्पी। तो इन चारों औषधियों में संकोष्पी को श्रेष्ठ माना गया है। वैसे सभी औषधियां अपनी अपनी जगह पर अच्छी हैं, लेकिन इन चारों की अगर कंबाइन तुलना की जाए तो उसमें संकोष्पी सबसे श्रेष्ठ होती है। तो इस तरह हमारी जानकारी आपको कैसी लगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।